हेलो फ्रेंड्स, मूवी कर हियर। फिल्म की शुरुआत 2045 में होती है और हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जो बर्फीली पहाड़ियों में कुछ जीवों की खोज करने के लिए गए हैं। वो लोग बर्फीली हवाओं में भी आगे बढ़ते रहते हैं। अब हम मूवी की मेन कैरेक्टर जैंग से मिलते हैं। वो पूरी टीम की हेड होती है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी उनको एक सिग्नल आने लगता है। बेस कैंप से पूछे जाने पर वो लोग उनको बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल नहीं है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं उनको एक झटका महसूस होता है। खतरा महसूस होते ही बेस कैंप का लीडर सभी को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा करने से उसका भाई नॉर्मैन उसे मना करता है क्योंकि ऐसा करने से उनका सारा मिशन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो उनकी नहीं सुनता और सबको वापस आने के लिए कहता है। तभी अचानक वहाँ पर जमीन हिलने लगती है। एक बड़ा सा हाथ उनकी तरफ आता है जिसे देखकर वहाँ सभी लोग डर जाते हैं। वो लोग अपने सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर देखते हैं और यहाँ पर उनकी कार इम्बैलेंस होकर गिर जाती है। जैंग इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा बच जाती है और अपने सामने मॉन्स्टर को खड़ा देखती है। अब सीन शिफ्ट होता है लॉन्ग पर, जहाँ पर वैन और लीडर का भाई नॉर्मैन उससे मदद मांगने आए हैं। दरअसल लॉन्ग भी पहले रिसर्च टीम में शामिल था, लेकिन जैंग से ब्रेकअप होने के चलते वो वहाँ नहीं जाता। अभी लॉन्ग उनकी कोई मदद नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे ही वैन उसको बताता है कि जैंग का एक्सीडेंट हो गया है और हम पिछले 2 दिनों से उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग उनको ढूंढने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी साथ चलो। इतना सुनते ही लॉन्ग मान जाता है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो सभी उन लोगों को खोजने के लिए एक टीम लेकर लोकेशन पर पहुँचते हैं। सभी लोग एक खंडर जैसी जगह पर आते हैं। लॉन्ग मैप को देखकर पत्थरों के बीच में से रास्ता खोज निकालता है और जैसे ही वो एक पत्थर को दबाता है जमीन से 3 पत्थर बाहर निकल आते हैं और सभी लोग जमीन के अंदर जाकर एक गुफा में फंस जाते हैं। वहां पर उन्हें इंसानी कंकाल दिखाई देते हैं। तब लॉन्ग उनको बताता है कि ये कंकाल क्वी डायनेस्टी के सोल्जर्स के हैं। वहाँ खड़ा एक आदमी कंकाल की खोपड़ी पर बना हुआ छेद को नोटिस करता है। उन लोगों के ध्यान से देखने के बाद उनको ये पता चलता है वहाँ की सारी कंकालों की खोपड़ियों में छेद है। नॉर्मैन सबको बताता है कि ये जियोलॉजिकल लेयर तब की है जब धरती पर डायनासोर्स मौजूद थे। वो ये बता ही रहा था तभी वहाँ एक सोल्जर पत्थरों को टच करता है। वैन उसे मना करता है और उसे इडियट कहता है। फिर दोनों लड़ने लगते हैं और बात बढ़कर हाथापाई पर आ जाती है। फिर कमांडर बीच में आकर उन्हें अलग करते हैं और झगड़ा सुलझाते हैं। वो सोल्जर एक कोने में जाकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपना लाइटर जलाता है चारों तरफ नीले रंग की आग जलने लगती है। लॉन्ग सबसे कहता है कि यहाँ फास्फोरस की मात्रा बहुत है, इसलिए आग का इस्तेमाल नहीं करना है। वहाँ सभी को कुछ आवाजें आती है, इसलिए अब वो चौकन्ने हो जाते हैं। तभी उन्हें एक सोल्जर की लाश मिलती है। उसके सर पर भी वैसा ही छेद था जैसा कि वहाँ पड़े कंकालों में था। उन सभी पर ढेरों पक्षी हमला कर देते हैं। फिर वहाँ सभी लोग उन पक्षियों पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन वो पक्षी उन पर हमला करने लगते हैं। इसमें उनका एक और साथी मारा जाता है। लॉन्ग को समझ आता है कि वो पक्षी साउंड से अट्रैक्ट होते हैं। तब वो जनरल कमांडर को गोलियां चलाने से रोकता है। फिर वो सभी लोग दबे पाव आगे बढ़ते हैं, लेकिन वैन का अलार्म बज जाता है और वहाँ सभी को भागना पड़ता है। भागते भागते वो लोग केव से बाहर निकल जाते हैं और जाने से पहले लॉन्ग वहाँ ब्लास्ट कर देता है। वो लोग केव से निकलकर बर्फीली पहाड़ियों में आ जाते हैं। तभी लॉन्ग को बेस कैंप से लीडर का कॉल आता है और वो उनको बताते हैं कि हम उसी जगह पर हैं जहां पर पुरानी टीम के कॉन्टेक्ट्स बंद हुए थे। लॉन्ग उनसे कहता है कि मैं सभी को वापस लेकर आऊंगा और कॉल काट देता है। अब वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें रास्ते में एक डायनासोर का कंकाल दिखता है। वही उन्हें कार के टूटे हुए पुर्जे और जैंग का वीडियो कैमरा भी दिखता है जिसमें उसके जिंदा होने के सबूत थे। सभी लोगों की उम्मीद जाग जाती है कि वो लोग उसे खोज लेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि उनके पीछे से एक खूंखार शार्क हमला कर देती है। सभी लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी वो शार्क बर्फ से बाहर आकर एक सोल्जर को पकड़
लेती है और यहाँ कमांडर उस सोल्जर को बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पाते। वो लोग किसी सेफ जगह पर जाने की बात कर रहे होते हैं, तभी वो शार्क फिश दोबारा आकर हमला कर देती है। वहाँ बचे लोग भागने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पर स्नो मॉन्स्टर आता है और वो उस शार्क को पकड़ लेता है। वो उसे पीट पीट कर खाने लगता है। नॉर्मन उस स्नो मॉन्स्टर को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब वो सोल्जर्स डरकर उस पर हमला कर देते हैं। उनके हमला करने की वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो पहाड़ों को मारने लगता है। तभी एक सोल्जर रॉकेट मिसाइल से हमला करता है, जो उस मॉन्स्टर की बजाय पहाड़ पर लगती है और पहाड़ से बर्फ खिसकने लगती है। वो सभी लोग बर्फ में दब जाते हैं। जब लॉन्ग को होश आता है, वो खुद को बंधा हुआ पाता है। उनको कुछ कबीलों वालों ने बचा लिया था। उनमें से एक आदमी आकर वहाँ एक सोल्जर का पैर काट कर उसमें से खून निकालने लगता है और उस खून को एक बर्तन में जमा करता है। तभी लॉन्ग अपनी रस्सी काट कर उस आदमी पर हमला कर देता है। तभी पीछे से एक लड़की आकर लॉन्ग पर हमला करती है और यहाँ लॉन्ग कुछ नहीं कर पाता। जैंग भी वहाँ आ जाती है और वो लॉन्ग को शांत रहने के लिए कहती है। लॉन्ग उसे देखते ही बेहोश हो जाता है। जब लॉन्ग को होश आता है, तब जैंग उसका ख्याल रख रही होती है। वो उससे पूछता है कि हम लोग कहाँ पर हैं। तब जैंग उसको बताती है कि ये प्राचीन काल के कबीले वाले हैं और सर्दी की वजह से तुम्हारे शरीर में जहर जमा हो रहा था, इसलिए वो तुम लोगों का खून निकालकर तुम्हारी जान बचा रहे थे। फिर लॉन्ग जैंग से उसकी टीम के बारे में पूछता है। जैंग बताती है कि वो सभी लोग ठीक हैं, क्योंकि कबीले वालों ने उनके पैरों के निशान देखे थे। यहाँ दूसरी तरफ हम नॉर्मैन और कमांडर को देखते हैं। वो लोग एक जगह आराम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें स्नो मॉन्स्टर की आवाज आती है। वो लोग चट्टानों के पीछे छुप जाते हैं। स्नो मॉन्स्टर उनके ऊपर से निकल जाता है। इसके बाद नॉर्मैन जनरल कमांडर को कहता है, तुमको क्या लगता है कि मैं अपनी जान को रिस्क में डालकर उस लड़की को बचाने आया हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मिडिल ईस्ट शार्क ग्रुप का मेंबर हूँ। मैं तो बस यहाँ मौजूद जानवरों के जीन्स कलेक्ट करने आया हूँ। वो जनरल कमांडर को पैसे की लालच देता है, ताकि वो उस मॉन्स्टर को पकड़ने में उसकी मदद करे। कमांडर भी लालच में आ जाता है और मान जाता है। यहाँ दूसरी तरफ लॉन्ग और जैंग आपस में बातें कर रहे हैं। जैंग लॉन्ग से कहती है कि मैंने दिन रात मेहनत की ताकि मैं दुनिया को अपनी खोज के बारे में बता सकूं, लेकिन लॉन्ग को ये सब ठीक नहीं लगता। तब लॉन्ग कहता है कि अगर दुनिया को इन जीवों के बारे में पता चल गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन जैंग यहाँ नहीं मानती और कहती है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और खोज करना ही मेरा कर्तव्य है। वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर वैन आ जाता है और बातों ही बातों में उसकी लॉन्ग से लड़ाई हो जाती है। यहाँ बाहर नॉर्मैन और उनकी टीम को स्नोमैन की आवाज दोबारा आती है। नॉर्मैन सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। तब कमांडर उसको बताता है कि मेरा एक साथी गायब है और मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। इस पर नॉर्मैन कहता है कि मैं तुम्हें पैसे समय बर्बाद करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा अगर इस मिशन में कुछ लोग मारे जाएंगे? कमांडर को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो नॉर्मैन को मारता है और वो कहता है, मुझे पैसों से प्यार है लेकिन मैं अपने आदमियों का सौदा नहीं कर सकता। फिर नॉर्मैन उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। वो कमांडर को दो चॉइसेस देता है, या तो मेरी जान ले लो या फिर बहुत से पैसे कमाकर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन यहाँ कमांडर उसे छोड़ देता है। अगली सुबह हम कबीले वालों को देखते हैं जो अपना रिचुअल कर रहे होते हैं। जैंग सबको बताती है कि जिसने लॉन्ग को मारा था उसका नाम काया है। उसकी माँ यहाँ की सरदार है और उसके पास स्नो मॉन्स्टर के साथ बात करने की शक्ति भी है। और ये सभी लोग स्नो मॉन्स्टर को एक पवित्र जानवर मानते हैं। ये सभी लोग 12वीं पूर्णमासी के तीसरे दिन स्नो मॉन्स्टर को बुलाकर उससे बातचीत करते हैं। वैन माया को गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहा है, जिस पर जैंग उसे बताती है, उससे शादी करने के लिए तुम्हें उससे लड़ना पड़ेगा। तुम जितनी बार उससे हारोगे तुम्हारी उतनी उंगलियां काट दी जाएंगी। सरदार रिचुअल की तैयारी करके काया को सभी मेहमानों को बुलाने के लिए कहती है। काया सभी को सरदार के पास लेकर जाती है। अब सरदार सभी लोगों को माथे पर टीका लगाती है और सबको वेलकम करती है। अब वो लोग स्नो मॉन्स्टर को बुलाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ स्नो मॉन्स्टर भी आ जाता है। सरदार मॉन्स्टर को बताती है कि ये सभी लोग मेहमान हैं। मॉन्स्टर भी लॉन्ग को पहचान जाता है
और वो उसे हेलो कहने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। सरदार जैंग को भी आगे करती है। तभी स्नो मॉन्स्टर पर पीछे से हमला होता है। मॉन्स्टर जैसे ही पीछे घूमता है, एक मिसाइल आकर कबीले पर लगती है। सभी उस धमाके से नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। जैसे ही वो उठते हैं, उनके सामने नॉर्मैन और कमांडर की टीम होती है। वो सभी लोग एक साथ मॉन्स्टर पर हमला करने लगते हैं। तभी एक आदिवासी आकर उन पर हमला करता है, लेकिन कमांडर उसे गोली से मार देता है, जिसे देखकर सभी आदिवासी उन पर हमला करते हैं। तब वो सभी लोग उनको गोलियां मारने लगते हैं। अब दोनों तरफ जंग छिड़ जाती है। काया कमांडर के हाथों से गन छीन लेती है। अब गुस्से में स्नो मॉन्स्टर उन पर हमला करता है, लेकिन आदिवासियों को देखकर वो रुक जाता है। अब नॉर्मैन स्नोमैन पर एक मिसाइल से हमला करता है। अब मॉन्स्टर अपना बैलेंस खो देता है। लॉन्ग भी आदिवासियों की तरफ से अपनी टीम पर हमला कर देता है। तब एक सोल्जर उसे मारने लगता है और वहां सभी लोग पकड़े जाते हैं। जैन नॉर्मैन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब नॉर्मैन उसे बताता है कि इस मॉन्स्टर में मिस्टीरियस जीन्स हैं और वो इसे किसी भी कीमत में यहाँ से ले जाना चाहता है। वो मुखिया के सर पर गन तान कर उसे मॉन्स्टर के पास ले जाने के लिए कहता है। जब वो उसकी बात नहीं मानती, तब वो उसके पास बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति को मार देता है। फिर वो लोग काया, सरदार और जैंग को लेकर मॉन्स्टर की खोज में निकलते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने पर ही उन पर वो खूंखार शार्क हमला कर देती है। सरदार काया और जैंग को लेकर चट्टान पर चढ़ जाती है। वो शार्क इन सब पर हमला करते रहती है। तभी नॉर्मन उन पर वही मिसाइल छोड़ता है जो स्नोमैन पर चलाया था, जिसके बाद वहां सारी शार्क्स मर जाती हैं। नॉर्मन सरदार को गन पॉइंट पर लेता है, क्योंकि उसने उसे बेवकूफ बनाया था। फिर वो काया की तरफ गन मोड़ देता है। तब काया उस पर हमला कर देती है। कमांडर काया को मारने ही वाला होता है, तभी सरदार सामने आ जाती है और काया को बचा लेती है। यहाँ पर सरदार की मृत्यु हो जाती है। अब काया बहुत रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर स्नो मॉन्स्टर भी वहाँ आ जाता है और गुस्से में उन सभी पर हमला करने लगता है। वहाँ सभी सोल्जर्स उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो आगे बढ़कर उनको मारने लगता है। यहाँ काया भी आकर कमांडर से लड़ने लगती है। वो मॉन्स्टर एक सोल्जर को पकड़कर खाने ही वाला होता है, तभी उस पर पीछे से हमला होता है। ये फाइटर प्लेन्स नॉर्मैन ने पहले ही बुला लिए थे। उनको देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो फाइटर जेट मॉन्स्टर पर चारों तरफ से हमला करने लगते हैं। वो मॉन्स्टर उन जेट्स को तहस नहस कर देता है। फिर वो लोग दोनों तरफ से मैग्नेटिक साउंड का इस्तेमाल करने लगते हैं। अब स्नो मॉन्स्टर परेशान होने लगता है और मौके का फायदा उठाकर नॉर्मैन उस पर हमला कर देता है। जैसे ही वो और गोलियां लेने जाता है, जैंग उस पर गन तान देती है, लेकिन नॉर्मैन उससे गन छीन कर उस पर ही तान देता है। जैंग अपना बैलेंस खोकर पहाड़ से गिरने ही वाली होती है, तभी वहाँ लॉन्ग आकर उसे बचा लेता है। अब नॉर्मैन मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। तब वैन और एक सोल्जर लॉन्ग की तरफ रस्सी फेंक कर उनको ऊपर खींच लेते हैं। वो लोग स्नो मॉन्स्टर को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ लॉन्ग मिसाइल से फाइटर जेट को उड़ा देता है। यहाँ वैन काया की कमांडर से लड़ने में हेल्प करता है और दोनों मिलकर उसे हरा देते हैं। यहाँ लॉन्ग ने जिस जेट को उड़ाया था, उसका मलवा आकर नॉर्मैन का पैर तोड़ देता है। स्नोमैन भी हिम्मत करके दूसरा जेट भी तोड़ देता है। स्नो मॉन्स्टर अब नॉर्मैन की तरफ बढ़ता है। अब नॉर्मैन उस पर मिसाइल लॉन्च करने लगता है, लेकिन उसे ऐसा करते देख स्नो मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथों से दबाकर उसे मार देता है। स्नो मॉन्स्टर काया की तरफ देखकर आगे निकल जाता है। अब ये चारों लोग चैन की सांस लेते हैं और लॉन्ग जैंग को गले लगा लेता है। अब वो लोग घर वापस आने के लिए निकलते हैं। तब वहाँ पीछे सारे कबीले वाले उनको खुशी से अलविदा कहते हैं। वो लोग भी खुश होकर उन्हें अलविदा कहते हैं, लेकिन जब वो ध्यान से देखते हैं तो यहाँ काया के साथ कुछ ही कबीले वाले बच गए थे और वो बहुत दुखी थे। वो लोग जीत कर भी हार गए थे। यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।